हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इसका टोटल रिटर्न देख सकते हो और इसका टुडे हाई देख सकते हो, टुडे लॉ देख सकते हो, 52 वीक हाई देख सकते हो, 52 वीक लॉ देख सकते हो। इसका फाइन स्टार देख सकते हो, ये है। और कंपनी का मार्केट साइज देख सकते हो, एंटरप्राइज देख सकते हो, पी देख सकते हो, पी भी देख सकते हो, फेस वैल्यू भी है, बुक वैल्यू भी देख सकते हो, ये है बुक वैल्यू। और डिविडेंड कितने देता है, डिविडेंड भी दिखाई दे रही है। कंपनी के पास कैश कितने हैं, कैश भी देख सकते हो, डेब्ट देख सकते हो, लोन कितने लिए हैं बैंक से। और प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो, 55 रुपीज़, 5% और आरओई देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, आरओसी देख सकते हो। और 29 इंडेक्स प्रेजेंट है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, ऊपर दिखाई दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, ऊपर है, आरओई देख सकते हो, आर ओ ई भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रही है, आर ओ सी ई भी देख सकते हो ऊपर है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, प्रोमोटर के पास देख सकते हो 55%, डी आई आई देख सकते हो 23%, एफ आई आई देख सकते हो 15%, पब्लिक के पास 5% है, अदर्स तो 0 दिखाई दे रही है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो। इसका डिविडेंड देख सकते हो, 5 डिविडेंड्स देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा ही डिविडेंड देता है। इसका बोनस देख सकते हो, बोनस नहीं है, और राइट्स इश्यू भी नहीं है। स्टॉक प्लेट देख सकते हो, स्टॉक प्लेट भी नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।